हेलो एवरीवन, दिस इज जपनीत, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर फाइन एंड सेफ। आज के वीडियो में बात करेंगे नए सिस्टम के बारे में जो कि प्रोबेबली मार्च में स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर इन 2023। उसके एक पॉजिटिव साइड की बात करेंगे, एक नेगेटिव साइड की बात करेंगे और एक रिक्वेस्ट जो मेरी तरफ से होगी स्टूडेंट्स को, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज डू सब्सक्राइब ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऑफर आप मिस ना करो। जैसे मैंने आज मॉर्निंग में एक टास्क एवेल्यूएशन की वीडियो डाली थी, शायद आपने देखी होगी, शायद नहीं। अगर नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, वो चेकआउट कर सकते हो। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर जेन्युइन कंटेंट। सबसे पहले बेनिफिट की बात कर लेते हैं। बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि एक मॉड्यूल, मुझे पता है कि सबको प्रॉब्लम रीडिंग में आती है ना, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रीडिंग वैसे भी हो जाती है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर बाद में भी आप करो है ना एक मॉड्यूल लेके, तभी भी प्रैक्टिस करके ही करनी पड़ेगी। बेनिफिट यही कि कोई भी मॉड्यूल आपका रहता है या फिर स्पीकिंग में, आपको पता ऑनलाइन का सिस्टम कैसा है ना, अजीब सा है ना, ऑडियो आती ना जाती, कई जगह पे खराब है, मैं आपको वैसे जनरली बता रहा हूँ। तो उससे थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा हमको कि हाँ सेकंड टाइम आप वो पर्टिकुलर जो है उस मॉड्यूल पे आप वर्क कर सकते हो ना। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, बट एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे ईओआर है ना, ईओआर क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है, जैसे विद इन 2 वीक्स आपको फिल करनी होती है। तो सेम चीज ये है कि इसके लिए एक ऑफिशियल टाइम होगा, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। ऑफिशियल टाइम होगा, चाहे 2 वीक्स का हो सकता है, 3 वीक्स का हो सकता है, तो कुछ भी नहीं पता अभी। प्रोबेबली ये चेंजेस आएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जब भी ये न्यू सिस्टम लॉन्च करते हैं, लास्ट ईयर 2020 में भी उन्होंने स्टार्ट करा था ऑनलाइन स्पीकिंग का, ठीक है, उसमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, ठीक है, काफी सारी चीजें, मतलब एक होता बेटा वर्जन मतलब होता है कि जैसे फर्स्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है ना, अभी कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे, सेम चीज इसमें होने वाली है। स्टार्टिंग में ही ये परफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा जैसे बेटा वर्जन चलाएंगे, पता चलेगा कि क्या चीज़ है ना, फिर टाइम वगैरह थोड़ा सेट करेंगे, विद इन 2 to 3 वीक्स आपने रीटेक जो है वन मॉड्यूल का है ना, वो आपने फिल करना है। ऐसी कंडीशंस धीरे धीरे आने लगेंगी। और फीस का तो आपको पता है, वैसे पहले जो फीस बताई थी वो 12,000 कुछ थी, अभी देखते हैं क्या चेंज होगी, क्या बढ़ेगी कि कम होगी। आई होप कि कम हो जाए इससे है ना, क्योंकि 12,000 कुछ ऑलमोस्ट पूरे एग्जाम जैसी हुई है। डेफिनेटली इससे आईडीपी को काफी बेनिफिट है, दैट्स व्हाई आईडीपी इज लॉन्चिंग दिस न्यू सिस्टम। और मेरी एक रिक्वेस्ट के आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि गाइस, जो जेन्युइन वीडियोस होती है ना, जैसे मैं स्पीकिंग की भी डालता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, एक और आने वाली है, प्रोबेबली कल को आएगी, प्लीज जरूर देखा करो ना। वो ट्यूटोरियल वीडियोस होती हैं, उससे क्या कि आपको पता चल जाता है कि क्या क्या कॉमन मिस्टेक्स आप भी करते हो, ठीक है। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट, एक तो सब्सक्राइब कर लो और स्पीकिंग की या राइटिंग एवेल्यूएशन की वीडियोस जरूर देखा। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस कॉल्स आते हैं, ठीक है, एक तो इसके बारे में है कि हाँ सिस्टम अभी शुरू हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं हुआ। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को कि हम वेट कर लेते हैं सिस्टम के आने तक है ना, तब एग्जाम भरेंगे। भाई मैंने आपको एग्जाम्पल देकर एक वीडियो बना के दी थी, शायद आपने देखी होगी, शायद नहीं, प्लीज ऐसे मत करो, ठीक है ना। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप अपना एग्जाम दो, क्लियर करो, दैट्स इट, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी एक कंप्लेंट लगा लो है ना, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पुराने स्टूडेंट्स हैं जो वो भी क्या भर सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर द न्यू स्टूडेंट्स प्रोबेबली दैट आर गोइंग टू फिल द टेस्ट, दैट आर गोइंग टू बुक एग्जाम इन मार्च है ना। मार्च में जब से सिस्टम लॉन्च होगा, जैसे व्हाट्सएप स्टेटस नहीं होता, पहले आपने डाल दिया, उसके बाद आपने कुछ लोगों को हाइड कर दिया, उसका क्या फायदा ही नहीं है, वो पहुंच चुका है ना, नए लोगों के लिए नहीं होगा। जब वो आपने पर्टिकुलर सेटिंग अप्लाई कर दी है ना, कुछ ही लोगों को शो होना है, कुछ लोगों को रिमूव करना है, ठीक है, फिर आप स्टेटस डालोगे तो उस पर वो चीज़ें इंप्लीमेंट करती हैं। दैट इज़ हाउ दिस सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। जितनी जल्दी और भी इंफॉर्मेशन आएगी सोर्सेज से, उतनी जल्दी आई विल लेट यू नो, एंड आई होप यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग वेल। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक यू।